ये लाइट है, यहाँ से कोई भी आएगा तो इसको मैं टांग कर मैं इसको। भैया अभी नहीं चलती है, कब से नहीं चल रही है? मशीन लगा हुआ था, उसके बाद रोड बना तो मशीन ही गायब हुआ, तो मशीन ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमने नहीं बोला, हमने यही बोला कि जब शुरू में लगा था तो। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, एसएसआई ट्यूब में फिर स्वागत करते हैं। मैं जोगिंदर सिंह लड्डू, इस वक्त बाईपास है और ये बाईपास से बहुत महत्वपूर्ण है। इस साइड से रांची, टाटा, कलकत्ता कहीं भी जा सकते हैं और इस साइड से भी आप कहीं मुजफ्फरपुर हो, तमाम जगह आप जा सकते हैं। हमारा मकसद है ट्रैफिक पॉइंट, और ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पॉइंट इन पर निर्भर करता है कि आपकी ट्रैफिक व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। लेकिन यही पर सब मात खा गया है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे पूरा ट्रैफिक सिस्टम। पता नहीं क्यों एक बार लग जाने के बाद आने वाला जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है वो कहानी ख़त्म होता जाता है। इसका नज़ारा हम पटना सिटी का इससे बाईपास से सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर हम आए हैं, दिखलाने के लिए आए हैं। चलिए, नमूना नंबर एक ये है ट्रैफिक का। ये लाइट है तो ये सड़क पर साइड में लाइट नहीं लगी हुई है, ये लाइट है, यहाँ से कोई भी आएगा तो इसको मैं टांग कर मैं इसको घर पर भी ले जा सकता हूँ। ये सिस्टम है, सिस्टम पर ध्यान रखिएगा। तमाम जगह का हाल यही है, हाल बेहाल है। क्या इसीलिए लगाया गया था? दो महीना, छः महीना, साल भर के बाद इसी स्थान पर आ जाएगा। ये सड़क के बिल्कुल किनारे फेंका हुआ है, जो भी आएगा कूड़ा कचरा उठाने वाला इसको बोरा में तोड़कर इसको जाकर बेच देगा तो खूब मज़ा आएगा। उस समय कहा जाएगा कि कहाँ गया ट्रैफिक वाला लाइट। चलिए कुछ और नज़ारा दिखलाते हैं यहाँ पर का। नमूना नंबर दो ये देखिए, देखिएगा सारा मलबा ट्रैफिक का लाइट यहाँ पर है, अपने हाल पर है। लाइट जल सकती है कभी कभार, और ये बहुत बड़ा सा पोल, हो सकता है किसी बड़े वाहन से टक्कर से इसको गिरा दिया गया होगा। इसका मतलब क्या है? प्रशासन ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ? ये जवाबदेही बनता है प्रशासन ट्रैफिक एसपी का और उससे बड़े अधिकारी का। ये सब भी लाइटें हैं, इसी लाइट में ग्रीन है, रेड है और येल्लो है, यहाँ इंगित किया जाता है। अगर ऊपर का पोल देखिएगा तो यहाँ भी ध्वस्ती है, लाइट ऊपर से उखड़ा हुआ है, लाइट जलने वाला नहीं है। ये आप मानकर मत चलिए कि लाइट जलेगी, नहीं 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 नहीं, वो आप सपने में रहिएगा। यहाँ पर एक ट्रैफिक वाले खड़े हैं वाहन का आगमन करने के लिए, ये बेचारा दिन भर इधर ही भटकते रहते हैं। ट्रैफिक लाइट जलती है कि नहीं? भैया अभी नहीं जलती है, कब से नहीं चल रही है? अब तो हम लोग जब से मतलब हम आए हैं तब से तो नहीं जल रही है, बिना लाइट के सहारे है, सिग्नल के सहारे। हाँ, हाथ से हम लोग सिग्नल चलाते हैं। अच्छा, हाथ से तो बोल रहे हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो हैं, बोल रहे हैं कि हाथ के सहारे ही लाइट की सुविधा नहीं है, सिर्फ हाथ के साथ। कोई बड़े प्रशासन जो पहल किए थे कि लाइट की सुविधा कराना चाहिए? भैया अभी तो हम लोग हाल फिलहाल इधर बदले हुआ है। अच्छा अच्छा, अभी मैंने हम लोग जब से हम आए हैं तब से। पहले कहीं थे तो लाइट की सुविधा बढ़िया है? पहले था, डर लगता है कि कहीं करंट ना हो। ये है स्मार्ट सिटी अपना पटना का, तार पर टिका हुआ है। अगर तार नहीं रहेगा तो लाइटवा टूट कर गिर जाएगा और कोई उठाएगा बोरा में लेकर चल जाएगा। तो हम चाहते हैं, ट्रैफिक एसपी से गुजारिश करते हैं, प्रशासनिक जितने भी आला पदाधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उनसे आग्रह करेंगे कि पहले पटना सिटी का और पटना का ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। यहाँ का भी हाल वही है जो बाईपास का हाल था, ये पलटी हुई है। लाइट जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है, ऊपर से आकर नीचे ससर गया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, लाइट का लग जाना और उसके बाद इस्तेमाल करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ट्रैफिक वालों का काम है
लाइट लगा देना, खूबसूरत बना देना, लेकिन उस पर ध्यान देने की जहाँ तक बातें होती है बिल्कुल जीरो पर चला जाता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ उत्तम कुमार। जब से खराब हुआ है मतलब ट्रैफिक लाइट जो है वो सिस्टम से खत्म हो गया। खत्म हो गया। धन्यवाद। तो इस दृश्य की तरफ हम आते हैं, अगर लाइट अगर बेहतर रहती तो ऐसे जाम का सामना आए दिन नहीं करना पड़ता। इसकी वजह है लाइट लग जाती है लेकिन उसका पालन सही ढंग से हो नहीं पाता है, तो सारा सिस्टम जो है तहस नहस हो गया है। इसका जिम्मेवार कौन हो सकता है? हमसे ज़्यादा आप खुद समझदार हो सकते हैं। ये ट्रैप तमाम दृश्य जो देखेंगे, ये साइड भी देखेंगे तो जाम है और इधर के भी देखेंगे तो जाम है। वजह है कि ट्रैफिक लाइटें जो है ऊपर से नीचे आ गया है, लाइटें व्यवस्था एकदम नहीं है। क्या मंशा है ट्रैफिक SP का या जो DGP है, तमाम प्रशासनिक आला अधिकारी है, उनको सिर्फ काम है ट्रैफिक लगा देना, दुरुस्त उज करने के लिए वो के उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। भगत सिंह चौक पर ये ट्रैफिक लाइटें जो लगी हुई है इंगित करता है, लाइट जलती है कि नहीं? एक महीना जली थी लगने के बाद। अच्छा अच्छा। एक से डेढ़ महीना बस। कितने साल हो गया लगा हुआ? लगे हुए 5-6 साल तो हो गई है। कभी नहीं जला है? ना, बस एक डेढ़ महीना जला है। क्या कारण हो सकता है? पता नहीं, वहाँ पर मशीन ही नहीं, वहाँ पर पहले मशीन लगा हुआ था, उसके बाद रोड बना तो मशीन ही गायब, वहाँ पर तो मशीन ही नहीं। तो मशीन भी गायब हो गया है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब मशीने नहीं रहेगा तो लाइट कहाँ से? सिस्टम होता है, मिक्सर होता है, ग्रीन लाइटें, रेड लाइटें और येलो लाइटें, और मशीने नहीं है तो मशीन कहाँ गया? क्योंकि स्थिति में एम्बुलेंस हो या किसी भी तरह को, ये एम्बुलेंस देखिए, एम्बुलेंस वाले भी फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था तहस नहस हो गई है। शहीद भगत सिंह चौक के पास ये एम्बुलेंस से आपातकालीन स्थिति में जा रहा है, लेकिन जाम के समस्या से रूबरू इनको भी होना पड़ता है। ये लाइट जो आप जो देख सकते हैं, ये लाइट, ये अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो आप समझ सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही जन समस्या से रूबरू होने के लिए हम आते रहेंगे। जय हिंद।